हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 पढ़ने से पहले हमें रेशियोज के वैल्यूज के बारे में जानना जरूरी है और इन्हें हमें याद करना भी बहुत जरूरी है। ये आपके क्लास टेंथ की बुक में नहीं है, आपके क्लास नाइन्थ की बुक में ये आपने पढ़ा हुआ है, आपको याद भी होगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसे अच्छी तरह से याद करें और इसे नोट करके अपनी कॉपी में लिखें। तो यहाँ पर देखिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अगर आपने साइन की वैल्यू को याद कर लिया तो आप सारे वैल्यूज अपने आप बना सकते हैं। देखिए, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस थीटा। अगर आपने साइन 0 डिग्री की वैल्यू लिखी है तो आपको यही वैल्यू कॉस 90 डिग्री पे मिलेगी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको कॉस 60 डिग्री पे मिलेगी। देखिए, 1/2 1/2, तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री की वैल्यू ही कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको कॉस 60 डिग्री पे मिलेगी। 60 + 30 होता है 90 डिग्री, √3/2, यहाँ पर भी देखिए √3/2 है। एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू है 0, जो कि आपको 0 डिग्री पे मिलेगी, और 90 डिग्री की वैल्यू आपको मिलेगी 0 पे। आप देखिए, 90 + 0 90 हुआ, 30 + 60 90 एंड 45 + 45 90 डिग्री। तो ये दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा में ये जो दो दो एंगल्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है। अब देखिए 10, अब साइन अपॉन कॉस होता है तो आप जानते हैं, अगर आपने साइन और कॉस निकाल लिया तो अपन आप साइन बाय कॉस करेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो आपको वैल्यू आएगी 10 थीटा की 0/1, इट मीन्स 0। 1/2 अपॉन √3/2, तो यहाँ 2 और 2 कैंसिल हुआ, 1/√3 बचा, 1/√3 यहाँ पर वैल्यू 10 30 डिग्री की। 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 अपॉन 1/√2, दोनों ही कैंसिल हो गए तो आया यहाँ पर वैल्यू 1। 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 अपॉन 1/2, तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हुआ, बचा √3। √3 है वैल्यू 10 60 डिग्री की। एंड 90 डिग्री की 1/0, 1/0 को हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो उसे नॉट डिफाइंड लिखा जाता है। कॉट की वैल्यू, अगर आप 10 की वैल्यू को जस्ट रेसिप्रोकल कर दें तो आ जाएगी पूरी कॉट की वैल्यू। अब है सेक की वैल्यू, सेक होता है कॉस का अपोजिट, तो आप अगर कॉस की वैल्यू को अपोजिट कर दें 1/1 1, √3/2 को आप 2/√3 कर दीजिए, ये आ गया सेक थीटा का वैल्यू। 1/√2 को कर दीजिए √2/1, 45 डिग्री की वैल्यू। 1/2 को कर दीजिए रेसिप्रोकल, 2 हो गया। एंड 0 का रेसिप्रोकल हुआ 0/1, नॉट डिफाइंड, ये हुआ सेक थीटा की वैल्यू। अब है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा के लिए आपको रेसिप्रोकल करना होगा साइन थीटा को। साइन थीटा की सारी वैल्यूज को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आएगी वैल्यू कोसेक थीटा की। तो इस तरह से आप साइन के अकॉर्डिंग बाकी सारी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। आपको केवल साइन की वैल्यू को याद रखना है, उसके बाद आप कहीं पर भी ये चार्ट बनाकर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये चार्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप याद करने की भी इससे कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 2 cos² θ - 3 cos θ = 0। 2 cos² θ - √3 cos θ = 0। तो यहाँ पर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हम या तो सीधे सीधे इसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर से कॉमन लेते हैं cos थीटा को, cos थीटा कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पर से बचा 2 cos θ - √3 = 0। यहाँ से हमने cos थीटा को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचा 2 cos θ, यहाँ पर से cos² θ है, सिंगल cos थीटा निकला तो बचा cos θ - √3, यहाँ पर सिंगल cos थीटा है जो कि बाहर निकाल लिया हमने, ये हमें मिल चुका है। अब हम इसे दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसे हम लिखते हैं cos θ = 0। अब cos θ = 0, हमने इस पार्ट को लिया केवल इसे और इसके साथ इक्वल 0 लिया। cos θ = 0 कितने डिग्री की वैल्यू है? देखिए, cos θ = 0 90 डिग्री की वैल्यू है, तो इसे हम लिखेंगे cos θ = 90 डिग्री। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट आंसर। अब सेकेंड पार्ट हमने इस वाले को लिया 2 cos θ - √3 = 0, दोनों के इक्वल हमें 0 ही लेना है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 cos θ = √3। अब यहाँ पर हम 0 + √3 से लिखेंगे, 0 + √3, ये माइनस से हो जाएगा प्लस में, तो 2 cos θ = √3 cos θ = √3/2,
यहाँ पर रूट थ्री बाई टू हो जाएगा बिकॉज टू इज इन मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ये डिवाइड में आएगा। अब कॉस थीटा में रूट थ्री बाई टू कितने डिग्री की वैल्यू, ये हम चेक करते हैं। कॉस थीटा में रूट थ्री बाई टू है 30 डिग्री की वैल्यू, तो कॉस थीटा इक्वल 30 डिग्री। अब यहाँ पर हमें दो वैल्यूज मिली है तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर में कॉस थीटा इक्वल 30 डिग्री एंड 90 डिग्री बोथ। ये है हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से हमें इस एक्सरसाइज में इस चार्ट की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है 2 sin² θ माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास साइन और कॉस दोनों हैं, तो हमें या तो साइन को कॉस बनाना होगा या फिर कॉस को साइन। तो हम यहाँ पर कॉस को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन साइन को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि साइन जो है वो स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 - cos² θ, तो हम इसे चेंज करते हैं 2 1 - cos² θ माइनस कॉस थीटा इक्वल 1। ये हमने किया, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हमने लिखा 1 - cos² θ, इसे हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 - cos² θ। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज की, फर्स्ट आइडेंटिटी, इससे हमने ट्रांसफर करके जो दूसरी आइडेंटिटीज बनाई थी वो है ये आइडेंटिटी। तो हमें इन आइडेंटिटीज को, इस इन रेशियोज को, डिग्रीज को, सभी को याद रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 - 2 cos² θ माइनस कॉस थीटा। अब हम इस 1 को भी यहाँ ले आते हैं, -1 = 0, ये हो जाता है। देन 2 में से हम 1 को माइनस कर लेते हैं, माइनस 2 cos² θ माइनस कॉस थीटा प्लस 1 = 0। यहाँ पर +2 and -1 सॉल्व होकर आता है +1। अब हम देखते हैं यहाँ पर -2 cos² θ, ये माइनस में, हम इसे प्लस में कर लेते हैं। सबसे पहले हम पूरे नंबर को पॉजिटिव करेंगे, इसके लिए हमें माइनस साइन से यहाँ पर इंटू करना होगा, या तो फिर हम इस पूरे को उठाकर इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 0 = 2 cos² θ प्लस कॉस थीटा -1, ये हमने ट्रांसफर कर लिया। अब 0 इधर रहे या इधर, मतलब तो एक ही है, इसलिए हम इक्वल 0 यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स है, तो हम इसे स्प्लिट करेंगे, हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। तो कॉस थीटा को स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए 2 × 1, 2 है, 2 1 = 2, तो यहाँ पर हम 2 cos θ - cos θ करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस थीटा। हम इसे ले लेते हैं यहाँ 2 cos² θ + 2 cos θ - cos θ - 1 = 0, ये हमने क्या किया, 2 cos θ - cos θ, आंसर आएगा पॉजिटिव में कॉस थीटा, बिकॉज यहाँ पर 2 cos θ प्लस में है और माइनस कॉस थीटा है नेगेटिव, तो यहाँ प्लस में ही आंसर आएगा। अब हम इन्हें पेयर्स बना लेते हैं, 2 cos² θ + 2 cos θ - cos θ + 1 = 0, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस साइन बाहर ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर से हम कॉमन लेते हैं 2 cos θ, कॉमन आता है 2 cos θ, बचा यहाँ पर cos θ + 1 - 1 cos θ + 1 = 0। अब देखिए हमारे पास cos θ + 1 cos θ + 1 सेम है, इसे लिख लेते हैं cos θ + 1 and 2 cos θ - 1 = 0। अब हमें दो अलग अलग पेयर्स मिल चुके हैं, दो रूट्स मिल चुके हैं इस इक्वेशन के, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आगे फर्स्ट को हम लेते हैं cos θ + 1 = 0, तो ये होता है cos θ = -1। अब cos θ = -1, यहाँ पर देखिए -1 किसी की भी वैल्यू है क्या, नहीं, तो cos माइनस में जो वैल्यूज आती है वो नॉट एक्सेप्टेबल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे आप नेगेटिव वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल, ओके। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेकेंड वाले को, 2 cos θ - 1 = 0, तो 2 cos θ = +1, ट्रांसफर करने पर ये -1 से हो जाता है क्या +1, एंड cos θ = 1/2। अब cos थीटा की वैल्यू 1/2 है 60 डिग्री में, तो यहाँ हम लिखेंगे cos θ = 60 डिग्री, आंसर cos θ = 60 डिग्री, ओके।
इज दैट क्लियर? ये है आंसर cos थीटा इक्वल 60 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में 2 sec स्क्वायर थीटा है, हमें इस राइट हैंड साइड को यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल, अब sec स्क्वायर थीटा इक्वल कुछ होता है क्या? sec को हम 10 बना सकते हैं क्या? यस, आइडेंटिटीज में हम sec को 10 बना सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 यहाँ पर हम लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ पर हम लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये है आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हमने इसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बना लिया। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल 2 1 जा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल 2 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। देखते जाइए, हम बहुत ही इजीली तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 2 प्लस 1 3 हो गया। अब हम इस 2 tan स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल 3। देखिए यहाँ पर हमने इसे चेंज किया है, लेकिन हमने किसी भी तरह से इसे इसके जैसा बनाने की कोशिश नहीं की थी। बट ये tan स्क्वायर थीटा 3 एंड 2 ये हो गया। अब ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता है, 3 माइनस 2 1, तो यहाँ पर बचेगा 1 tan स्क्वायर थीटा। इसे हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इक्वल 3। अब ये स्क्वायर हमने हटाना है, इसके लिए हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल यहाँ पर हो जाएगा रूट 3। स्क्वायर को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो वो यहाँ पर सेकंड साइड में दूसरे साइड में रूट बनकर आता है, तो ये हो जाएगा रूट 3। अब tan थीटा रूट 3 कितने डिग्री की वैल्यू है? tan थीटा में रूट 3 है 60 डिग्री की वैल्यू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल 60 डिग्री। तो ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा एंड 3 cos थीटा, लेकिन इधर राइट साइड में हमारे पास sin स्क्वायर थीटा, तो हमें इसे cos बनाना होगा। आइए इसके लिए हम देखते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2। अब हम पहले सबसे पहले हम sin स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0, ये होता है, हमने किया इसे ट्रांसफर। अब हम इस साइन को बनाएंगे कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 0। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 माइनस साइन का मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 से, माइनस 1 जा माइनस इंटू प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स है, तो इसे हम लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 एंड माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल 0। ये बना हमारे पास इक्वेशन जिसमें कि 3 टर्म्स है। अब इसे हम आसानी से स्प्लिट कर सकते हैं। इसे स्प्लिट करने के लिए देखिए हम 3 cos थीटा को स्प्लिट करेंगे, हम इसे करेंगे माइनस 2 cos थीटा एंड माइनस cos थीटा में, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 इक्वल 0। ये हमने क्यों किया? देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2 होता है, सी ए इंटू सी करते हैं जब हम, तो 2 1 जा 2 होता है, यहाँ पर भी 2 इंटू 1 2 1 जा 2, जबकि 2 प्लस 1 3 यहाँ पर होता है। तो इस तरह से हमने इसे स्प्लिट किया। अब हम इसके पेयर्स बनाते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 इक्वल 0। 2 cos थीटा ये लिया कॉमन हमने 2 cos थीटा, तो बचेगा यहाँ पर cos थीटा माइनस 1 माइनस यहाँ पर ये प्लस साइन है माइनस से, यहाँ बाहर हमने माइनस पे निकाला तो यहाँ पर प्लस से हो जाएगा ये माइनस, तो यहाँ बचेगा माइनस वन अगर हमने बाहर लिया तो कॉस थीटा माइनस वन इक्वल जीरो। अब यहाँ पर देखिए सेम दोनों ही आ गए हैं, कॉस थीटा माइनस वन एंड टू कॉस थीटा माइनस वन इक्वल जीरो। अब हम इन्हें इनकी वैल्यूज को अब हम फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा माइनस वन हम लेते हैं पहले, कॉस थीटा माइनस वन इक्वल जीरो, तो ये होता है कॉस थीटा इक्वल प्लस वन। कॉस थीटा प्लस वन वैल्यू है जीरो डिग्री की,
तो यहाँ हम लिखते हैं cos थीटा इक्वल 0 डिग्री, ये हुआ हमारा फर्स्ट आंसर। सेकेंड है 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल 0, तो 2 cos थीटा इक्वल +1 एंड cos थीटा इक्वल 1/2, cos थीटा 1/2 वैल्यू है 60 डिग्री की, cos थीटा इक्वल 60 डिग्री। तो आंसर इज cos थीटा इक्वल 0 डिग्री एंड 60 डिग्री, दैट्स द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos थीटा / 1/sin थीटा + cos थीटा / 1+sin थीटा = 4। तो यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले तो इसे एलसीएम लेना होगा, हम लेते हैं यहाँ पर एलसीएम 1 - sin थीटा × 1+sin थीटा = 4। तो यहाँ पर -1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा हो गया कैंसिल, तो बचा क्या 1+sin थीटा × cos थीटा, तो यहाँ हम लिखेंगे cos थीटा × 1+sin थीटा + यहाँ पर 1+sin थीटा एंड 1+sin थीटा कैंसिल हुए, तो बचा 1 - sin थीटा, तो यहाँ cos थीटा × 1 - sin थीटा, ये हमारे पास बचा। अब देखिए दोनों में ही cos थीटा कॉमन है, हम सबसे पहले cos थीटा को बाहर कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा 1+sin थीटा + 1 - sin थीटा, ये हमारे पास बचा ब्रैकेट में। यहाँ पर 1 - sin थीटा × 1+sin थीटा -a + b, a - b इक्वल हुआ a² - b², इसे हम लिखेंगे 1² - sin² θ = 4। अब यहाँ पर देखिए +sin θ एंड -sin θ, ये दोनों का कैंसिल, बचा क्या 1+1 2, तो यहाँ पर आएगा cos θ × 2/1 - sin²θ। अब यहाँ पर 1 - sin²θ इक्वल क्या होगा cos²θ = 4। ये सारी आइडेंटिटीज को हमें लिखना होगा, 1 - sin²θ = cos²θ एंड 1 - b × a + b = a²-b². यहाँ पर इस आइडेंटिटी को भी हमें शो करना होगा, हम इसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मैंने यही लिख दिया है। इसके बाद 2 cos θ / cos²θ = 4। अब यहाँ cos θ / cos²θ, तो cos / cos, तो सिंगल cos कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 cos θ = 4, ये हमारे पास बचा। अब हम इसे कर देते हैं ट्रांसफर, तो यहाँ पर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर cos थीटा की जगह पे और cos थीटा 4 की जगह पर आ जाएगा, 2/4 = cos θ। अब cos थीटा के इक्वल 2/4 का मतलब होता है 1/2 = cos θ। अब 1/2 वैल्यू कितने डिग्री की cos थीटा में, 60 डिग्री की, तो cos θ = 60 डिग्री, ये है आंसर हमारे इस क्वेश्चन का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कितना लंबा था और कितना इजीली है सॉल्व होकर cos θ = 60 डिग्री की वैल्यू आ गई है, आपने अच्छी तरह से इसे समझा होगा, करती हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे अच्छी तरह से। सबसे पहले आप इस चार्ट को जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, अगर आपने इस चार्ट को याद कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से। स्टूडेंट्स हमारा ये एक्सरसाइज कम्प्लीट होता है इस वीडियो में, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।